बिना किताबों के जो सबक सीखे जाएं, उसी का नाम जिंदगी है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी। यही वो समय होता है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जब कोई कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना, पर याद रखना कई लोग इसलिए कमाल कर गए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था कि तुम नहीं कर सकते। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी। फर्क तो सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौट कर आते हैं तब लगता है शांति ही जीवन है। परमेश्वर का मानव जाति को संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। वक्त, मौसम और लोग सबके एक सी फितरत होती है। कब कौन और कहां बदल जाए पता ही नहीं चलता। जिंदगी का ये उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना पर भरोसा खुद पर करना। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार मां से, बाकी सब तो दुनिया सिखा देगी। जिस तरह रेत पर गिरी हुई चीनी के दानों को चींटी तो उठा सकती है परंतु हाथी नहीं, उसी तरह किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझे। कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। शब्द कितने भी हो पास, अगर अर्थ किसी के मन को ना छुए तो सब व्यर्थ है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होगा। और सोचो ये जिंदगी आपके पास है तो इस जिंदगी को किसी अच्छे मकसद में लगाओ। हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हम भी किसी और के लिए दूसरे ही हैं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हों। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं बल्कि फिसल कर आपकी जिंदगी और पहुंच से बहुत ही दूर चले जाएंगे। कायनात की सबसे महंगी चीज होती है एहसास, जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं होता। किसी ने पूछा, वो याद नहीं करते तुम्हें, तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुरा कर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह जीवन में परेशानी आने पर बेचैन और परेशान होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। चिंता करने का अर्थ है परमेश्वर की व्यवस्था पर शक करना। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब है लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने जवाब दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, पर मौत का तो कोई दिन नहीं होता? इस पर संत ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। सच ही तो है, उत्सव मनाने के लिए जीवित होना ही काफी है, किसी और वजह की जरूरत ही नहीं है। सबका ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।